हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डिलीशियस बाय गरिमा में। फल खाना किसे पसंद नहीं होता, और अगर उस पे पुरानी दिल्ली का तड़का लग जाए तो मजा ही क्या है। आज हम बनाएंगे फ्रूट कुलिया, पुरानी दिल्ली की फेमस चावड़ी बाजार की फ्रूट चाट। तो चलिए इस चटपटी चाट को बनाना शुरू करते हैं। आइए फ्रूट कुलिया बनाने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सभी सीजनल फ्रूट्स का यूज़ किया है। साथ ही मैंने लिया है उबला हुआ आलू, शकरकंदी, टमाटर, खीरा। मसाले में मैंने लिया है काला चाट मसाला, भुना हुआ जीरा, भूरा नमक और अदरक के लच्छे। खीरे को मैंने छील कर 1 इंच मोटे टुकड़े में काट लिया है। इसी तरह मैंने तरबूज को भी छोटे पीसेस में कर लिया है। शकरकंदी के भी मैंने 1 इंच के पीसेस लिए हैं। केला, संतरे को मैंने छील कर 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। आलू, पनेपल है, पनेपल को भी मैंने 1 इंच मोटा टुकड़े में काट लिया है। टमाटर के मैंने 2 पीस किए हैं, नीचे से इसका बेस थोड़ा सा हटा दिया है। चाट बनाने के लिए हमें सबसे पहले सारे जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमने लिए हैं इन्हें अंदर से स्कूप आउट करना है। तो चाहे आप चाकू की मदद से या किसी छोटी स्पून की मदद से या इस किसी स्कूप की मदद से आप इसे सभी को स्कूप आउट कर सकते हैं। तरबूज को भी हम इसी तरह से स्कूप आउट कर लेंगे। यहाँ मैंने शकरकंदी का यूज़ किया है। शकरकंदी को हमें ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, इसे हमें प्रेशर कुकर में डालकर सिर्फ 2 विसल तक ही कुक करना है। केला हमें बीच में से चीरा लगाते हुए बोट की शेप में कट कर लेना है। आप सभी इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। संतरा हमने छील के 2 पीसेस में कट कर लिया है, इसे हम ऐसे ही यूज करेंगे। टमाटर और पाइनएप्पल सभी को स्कूप आउट करके एक प्लेट में रख लेते हैं। मैंने यहाँ पर मसालों में सबसे पहले काला चाट मसाला यूज़ किया है। अगर आपके पास काला चाट मसाला ना हो तो आप नॉर्मल चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा गरम मसाला मिला लीजिए। काला चाट मसाला थोड़ा सा तीखा होता है और चटपटा भी ज़्यादा होता है। वैसे आपको ये किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पर ईजिली अवेलेबल होगा और ये आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसमें डालिए थोड़ा सा भुना हुआ पिसा हुआ जीरा। अब इसमें ऐड करें थोड़ा सा भूरा। अगर आपके पास भूरा नहीं है तो आप शक्कर को पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस पर डालिए स्वादानुसार नमक। नींबू का रस। आइए अब इसकी चटपटी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर छोटे वाले वाइट चनों का यूज़ किया है, जिन्हें मैंने रात भर के लिए सोक करके रख दिया था। इन्हें मैंने 4 to 5 whistle के लिए प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया है। अब इसमें ऐड करें बॉईल मटर के दाने, अनार के दाने, वन टीस्पून काला चाट मसाला, 2 teaspoon भूरा या पिसी हुई शक्कर, 1 teaspoon भुना हुआ जीरा और नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें ऐड करें 1/2 lemon juice और इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये चटपटा मसाला अब सभी में स्टफ कर दें। अब इस पर फिर से ऐड करें काला मसाला, भूरा या पिसी हुई शक्कर, बारीक पतली कटी हुई अदरक के लच्छे और सबसे एंड में ऐड करें नींबू का रस। तो लीजिए, तैयार है चटपटी मसालेदार, मुंह में पानी लाने वाली फ्रूट कुलिया या फ्रूट कुल्ले की चाट। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चाट बहुत पसंद आएगी।
और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।